अमेरिका लगातार चीन पर हमलावर है और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA रॉबर्ट ओब्रायन ने दावा किया है कि चीन पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है। अमेरिकी NSA ने ये बयान यूनिवर्सिटी ऑफ नेवादा में दिया जो अमेरिका में स्थित है। यहाँ उन्होंने कहा कि चीन अंततः एक ध्रुवी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें हर देश उसके अधीन हो। इसके अलावा ब्रायन ने कहा कि दुनिया भर के देशों को ये एहसास होने लगा है कि अमेरिका चीन के खिलाफ क्यों है। उन्होंने कहा कि दुनिया में धीरे धीरे बहुध्रुवी स्थिति में प्रवेश कर रही है और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में अब द्विध्रुवी स्थिति होगी, लेकिन चीन अंततः एक ध्रुवी स्थिति पैदा करना चाहता है जहां शेष सभी देश उसके अधीन हों। उन्होंने कहा कि वे हजारों वर्ष से दुनिया को इसी तरह देखते रहे हैं और आज भी इसे ऐसे ही देखते हैं। इसके साथ ही ब्रायन ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ उसके सभी सहयोगी चीन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यदि ब्राजील और भारत के महान लोकतंत्र, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन हमारे साथ होंगे तो अंततः चीन पहले से अधिक अलग थलग पड़ जाएगा। इसके साथ ही ब्रायन ने कहा कि चीन के निकट मित्र समझे जाने वाले कई अफ्रीकी देशों ने अमेरिका से कहा है कि यदि वो चीन से लिया उनका कर्ज चुका देता है तो वे चीन के साथ संबंध नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा ब्रायन ने कहा कि अमेरिकी करदाताओं के धन के प्रति जवाबदेह बनाना चाहता है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन को लेकर जो बाइडेन पर निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा है कि चीन और धूर वामपंथी राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन की जीत के लिए ललायत है क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार चीन को नौकरियां सौंप देंगे। उन्होंने बाइडेन को अमेरिका के इतिहास में सबसे खराब उम्मीदवार करार दिया। उन्होंने कहा कि बाइडेन चीन पर शुल्क में कटौती करेंगे। वो पहले ही कह चुके हैं कि वो चीन पर लगे शुल्क हटाएंगे। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन के बारे में एक बात सतत है और वो है आत्मसमर्पण। वो आत्मसमर्पण कर देते हैं भले ही वो चीन हो या क्यूबा हो। बताते चले कि इस वक्त चीन का अमेरिका और भारत के साथ तनाव चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुआंगडोंग इलाके का दौरा किया और सेना के एक अड्डे पर पहुंचे। सैन्य अड्डे पर शी जिनपिंग ने मरीन सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने और हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने शांतोउ इलाके का भी दौरा किया जो विदेशों में रहने वाले कई चीनी लोगों का अग्र कस्बा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।